कैसे हो मेरे यारो। तो आज तुम्हारा भाई एक ऐसी सीरीज के बारे में लेकर आ चुका है जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है, के ड्रामा सीरीज, जिसको बहुत लोगों ने देखा है, बहुत लोगों ने नहीं भी देखा है। मतलब मैंने देखा है, बहुत लोग है ना उसका नाम तो जानते हैं लेकिन कंफ्यूज होते हैं यार कि ये देखूं ना देखूं कैसी होगी। तो इसी कंफ्यूजन को लेके है ना मैंने स्पेसिफिकली इस के ड्रामा सीरीज के ऊपर ये वीडियो बनाई है और तुम्हें सब बताऊंगा ये कैसी है, इसमें क्या क्या होता है और ये तुम्हें देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो इसी बात से शुरू करते हैं। तो इस सीरीज में जिसका नाम है आई एम नॉट रॉबर्ट, इस सीरीज में तुम्हें लीड एक्टर में देखने को मिलेगा जिसका नाम होता है इस सीरीज के अंदर किम मिन क्यू। जी हाँ, इतना सेक्सी सा नाम है किम मिन क्यू। और जहाँ पे हमारी लीडिंग एक्ट्रेस उसका नाम होता है जो जी तो ये पूरी की पूरी के ड्रामा सीरीज है ना, ये पूरी की पूरी इस लीडिंग एक्टर के ऊपर बेस्ड है जिसका नाम किम मिन क्यू होता है। और ये काफ़ी ज़्यादा अमीर शहजादा, मतलब सब कुछ होता है इसके पास, क्योंकि ये कंपनी का एक डायरेक्टर होता है, काफ़ी बड़ी कंपनी होती है KM फाइनेंशियल, जो कि इसके पिता की होती है। और उसके पिता फिर नहीं रहते, उसके मम्मी पापा के एक एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, तो सारी की सारी कंपनी इसी की हो जाती है बचपन से ही, जब ये 8 साल का था। लेकिन इसके पास सब कुछ होने के बावजूद भी इस पर कुछ नहीं होता अपने हीरो के पास, सोचो ये क्यों? क्योंकि इसको एक बीमारी होती है, वो होती है इंसानों की बीमारी। अब इंसानों की बीमारी का मतलब है ये किसी भी इंसान को छू नहीं सकता, कोई भी इसको छू नहीं सकता। जी हाँ, इसको अगर कोई गलती से भी टच भी कर लेना तो इसकी बॉडी में एक ऐसे इन्फेक्शन जब फैल जाता है ना, इसके लिए इतना घातक होता है, तो इसकी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा तेज़ होने लगती है और इसकी बॉडी में जो अलग सी वेंस ऐसे दिखने लगती है गर्दन के यहाँ से, भाई ऐसा लगता है कि मरने वाला है। अगर इसने वहाँ पे अपना एक इंजेक्शन होता है इसने ना लिया हो तो समझो ये ख़त्म था। तो इसको इंसानों से भाई दूर रहना पड़ता है। तो इसी कारण से है ना ये बचपन से लेके 15 साल तक, मतलब ये 29 का हो जाता है, ये अपने घर के अंदर कैद रहता है। लेकिन इसका घर नहीं होता, वो साला विला ही होता है, इतना बड़ा घर बना रखा है भाई बंदे ने, विला ही होता है, पूरा का पूरा रिसोर्ट टाइप ही होता है। लेकिन अपने घर में अकेले रहना 15 साल, भाई ये तो तिहाड़ जेल से भी बदतर होता है। कम से कम जेलों में वहाँ पे और कैदी तो होते हैं बात करने को, इसके घर में कोई नहीं होता बात करने को। भाई ये बंदा खुद से बातें करता है, क्या करता है भगवान जाने। बाद में हमारे किम मिन यू जी एक साइंटिस्ट से मिलते हैं जिसने एक एंड्रॉयड बनाया होता है, फ़ोन वाला नहीं मेरे भाई, रोबोट वाला एंड्रॉयड, मतलब बिल्कुल डिट्टो इंसानों जैसा दिखता है, इंसानों जैसा भाई, मतलब एक लड़की का फेस लगाया होता है जो कि इतनी खूबसूरत इतनी प्रीटी होती है, और वो उसी लीडिंग एक्ट्रेस का फेस होता है उसी रोबोट के मुंह पे। अब ये क्यों होता है? क्योंकि वो जो साइंटिस्ट होता है ना उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वही थी जो जी हमारे किम मिन यू जी पहली बार जब उस रोबोट को देखते हैं ना यकीन ही नहीं करते, भाई ये सच्ची में रोबोट है तो इंसान जैसा लग रहा है। फिर बाद में जब वो उनको टच करते हैं ना तब उनको पता चलता है यार कोई उनके इन्फेक्शन फैल नहीं रहा, कहीं नहीं हो रहा, और उनका बीपी भी नॉर्मल है घड़ी पे देखते हैं। और फिर उनको यार इतनी ज़्यादा खुशी होती है ना क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में पहली बार 15 साल बाद किसी को जाके छुआ है जिससे उनको कोई भी खतरा नहीं हुआ, और वो तुरंत ही भाई हाँ बोलते थे, डॉक्टर को बोलते हैं जल्दी से जल्दी इस रोबोट को बना मेरे पास भेज, मुझे बहुत चीज़ें इसको सिखानी है। जहाँ पे वो साइंटिस्ट है ना उस रोबोट के बारे में बताता है, बोलता है ये कोई आम रोबोट नहीं है, ये तुम्हारे इमोशंस भी पढ़ेगा और इमोशंस के साथ रिएक्ट भी करेगा बिल्कुल इंसानों की तरह। तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है हमारा किम मिन यू जी। तो फिर बाद में है ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ हो जाती है रोबोट के साथ। तो जब हमारे साइंटिस्ट जी रोबोट को सब खत्म हा के उसके पार्ट्स वगैरह जब उसको कस रहे थे ना, तभी उनकी टीम में से यार कोई गधा है ना गलती से उस रोबोट के एक पार्ट के अंदर कॉफ़ी गिर देता है जिससे कि उसका सॉकेट वो जल जुल जाता है और उनके लग जाते हैं रस्ते। और उसके बाद बोलते हैं भाई डिलीवरी तो है कल की, और अब इसके जो पार्ट जो तूने ख़राब किया है इसको आने में लगेगा हफ्ता भर। अब वो डंडा कर देगा हमारे पीछे से, बोलता है कि उसको तो कल ही चाहिए वरना वो हमें फंडिंग नहीं देगा कभी। तो उन पे कोई चारा नहीं होता, तो वो साइंटिस्ट होता है ना अपनी रियल गर्लफ्रेंड के पास, मतलब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसको छोड़ चुकी होती है, उसके पास जाता है इतने साल बाद, बोलता है प्लीज़ मेरी हेल्प कर दे, तुझे 7 दिन के लिए एक्टिंग करनी है रोबोट बनने की उस आदमी के सामने बस। तो अब यहीं से स्टोरी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, फनी तो होगी ही होगी लेकिन तुम्हें इंटरेस्टिंग भी दिखेगी, क्योंकि उस लड़की का हमारे किम मिन यू का काफ़ी पुराना रिश्ता भी होता है। अब मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा कैसे इतना पुराना रिश्ता क्यों होता है, लेकिन जब तुम इसके बारे में देखोगे तब तुम्हें और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। लेकिन अब वो बात छोड़ो, तो यहाँ पे जब वो लड़की को भाई बिल्कुल ड्रेस पहना देते हैं लड़की रोबोट जैसा बिल्कुल, और जब वो पहली बार देखती है और भाई मतलब यकीन मानो एक इंसान
रोबोट की एक्टिंग कर रहा है के सामने है ना, वो लड़की इतनी खराब एक्टिंग करती है रोबोट की, उसका IQ 94 होता है, मतलब एक नॉर्मल आदमी से भी कम होता है। और हमारे जो सामने किम मिन यू, अपने आप को भाई वर्ल्ड स्मार्टेस्ट रिच किड होता है, इतना दिमाग होता है, इतनी बड़ी कंपनी चला रहा होता है, वो इतना शातिर होता है, तो वो साइंटिस्ट बोलते हैं भाई मेरे लग जाएंगे रास्ते, क्योंकि ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड भाई काम खराब करेगी है। तो उसको बिल्कुल यकीन नहीं होता अपनी एक्स गर्लफ्रेंड पे, यार ये 7 दिन टिक भी पाएगी, 7 मिनट नहीं टिक पाएगी। लेकिन जब वहाँ पे डिलीवरी करते हैं, उसकी गर्लफ्रेंड जाती है रोबोट की जगह, बिल्कुल रोबोट की तरह जाके खड़ी हो जाती है उसके सामने, और हमारे किम मिन यू जी भाई इतने शातिर होते हैं ना, वो इम्प्रेस हो जाते हैं उस लड़की से। वो लड़की पता नहीं क्या हरकतें करती है इंसानों जैसी, वो बोलता भी है उसको, अभी तू रोबोट जैसी तो लग भी नहीं रही है, तुझे क्या बनाया है उसने, मतलब तू बिल्कुल इंसानों जैसा ही बात कर रही है, इंसानों जैसी हरकत कर रही है, तू रोबोट लग भी नहीं रही है। लेकिन वो बोलता है बहुत अच्छा रोबोट है ये, बोलता है क्या रोबोट बनाया, मतलब उस चू को यही नहीं पता होता कि वो इंसान है या रोबोट, मतलब होता रोबोट ही है उसकी नज़रों में, लेकिन है इंसान, मतलब खुदा जाने। जब स्टोरी आगे चलती रहती है ना, तो वो दोनों है ना भाई इतना डीप कनेक्शन बना लेते हैं एक दूसरे से। और यकीन मानो, जब मैंने तुम्हें बताया था वो याद करो चीज़, उसको कोई भी अगर इंसान छुए तो क्या हो जाता है उसकी सारी बॉडी, ये इंटरेस्टिंग बात याद करो कि हमारे किम मिन यू को क्या बीमारी थी, जिसको कोई भी इंसान अगर छू दे तो उसकी बॉडी में वो बीमारी फैलने लग जाती है, वेन्स आने लग जाती है। और ये जो रोबोट है, क्या ये रोबोट है? नहीं ना, ये तो एक लड़की भेजी गई है रोबोट की एक्टिंग करने के लिए, उस साइंटिस्ट ने इसको चूतिया बनाने के लिए। लेकिन अब वहाँ पे भाई उसकी जान को तो भाई बहुत खतरा ही होता है, क्योंकि मुझे लगता है अब यार इंसान भेजती, गलती से अगर इसने उसको टच कर दिया इसके तो लग जाएंगे लौड़े। लेकिन वहाँ पे भाई जो चमत्कार होता है, हमारा बंदा टाइम टू टाइम है ना उस लड़की का इतना ज़्यादा घुल मिल जाता है उसको रोबोट समझ के ही, उसको टच भी करता है ना उसको कुछ नहीं होता, वो भाई बिल्कुल फिट होने लगता है, बिल्कुल एक एनर्जी आने लगती है उसकी बॉडी में, इतना बदल जाता है ना वो, जहाँ 15 साल से भाई वो हंसा नहीं होता, वो रोबोट तो इसकी लाइफ में आके इसकी ज़िंदगी बहार देती है, इसको हंसी वापस कर देती है, इसकी एक ज़िंदगी होती है उसको निखार देती है। और फिर बाद में जाके हमारा हीरो भाई थोड़ा सा अजीब लगता है उसको, यार बोलता है कि मुझे लगता है रोबोट से प्यार हो गया। तो साइंटिस्ट बोलता है कि तू पागल है, रोबोट से भी प्यार होता है, अबे वो रोबोट है, इमोशन नहीं है उसके अंदर, तू क्या प्यार करेगा। लेकिन साइंटिस्ट को तो पता है अबे साले मेरी एक्स है, कुछ तो शर्म कर। साइंटिस्ट भी उसको बोलता है भाई तू इससे प्यार नहीं कर सकता, मन मन में यार उसको भी लगता है बहनचोद मेरी एक्स है, इसको ना पटा ले, और वो पटना जाए इससे, क्योंकि इस पे सब है बहनचोद, ये लोग है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, दौलत है, भाई सभी है। और सबसे अच्छी बात तो ये कि उसकी एक्स इसको जब छूती है इसको कुछ होता भी नहीं है, इसको तो मज़े आते हैं, उल्टा भाई मज़े ले रहे हैं तो उसकी एक्स के उसके सामने ही, क्योंकि सारा लाइव फुटेज तो वो देखता रहता है साइंटिस्ट, है ना, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड जो जो करती है ना, मतलब वो सारा का सारा लाइव ब्रॉडकास्ट है ना उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पे वो चल रहा होता है। अब वहाँ पे वो उसको छू रहा होता है, उसको चूम रहा होता है, वो उसकी जल रही होती है अंदर से, और सारे की टीम बोल रही है सर आपको क्या हो रहा है, ये तो एक्स है आपकी। बोलता है हाँ तो क्या हुआ साले, लेकिन थी तो ना मेरी, तो उसकी भाई जल रही होती है, तो इसी वजह से तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती है। मतलब यहाँ पे मान लो कि लव ट्राइंगल नहीं है, बहुत लव के धागे है भाई, यहाँ पे बहुत सारे धागे उलझे पड़े हैं इस सीरीज़ में, किसको कब किससे प्यार हो जाता है यह भी तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन इस सीरीज़ की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सीरीज़ में ना यार तुम्हें स्टार्टिंग में एक फ़न एलिमेंट होता है, कैसे उन दोनों के बीच, एक रोबोट और एक इंसान के बीच, जो कि एक रोबोट नहीं होता, कैसे एक कनेक्शन बनता है एक फ़नी वे में। और उसके बाद हमारा हीरो उससे प्यार कर बैठता है रोबोट समझ के, लेकिन उसकी फीलिंग्स तो फीलिंग्स होती है ना, तो वो भाई कुछ नहीं सोचता, बोलता है मैं प्यार करूँगा तो इसके लिए ही, वरना मुझे नहीं करना। लेकिन फिर बाद में जब उसको सच भी पता चल जाता है आगे, जी हाँ सच पता चलेगा उसको, तो फिर वहाँ पे दिल भी टूटता है भाई, बहुत ज़्यादा दिल टूटता है, क्योंकि भाई एक इंसान के साथ तुम इतना गंदा काट रहे हो उसका, मतलब एक टीम बना के कैसा लगेगा। लेकिन फिर तुम्हें एंडिंग तो पता ही है भाई, एंडिंग में सब कुछ ठीक हो जाता है काफ़ी अच्छे से, और वो दोनों मिल भी जाते हैं। अब एक समरी में मैंने तुम्हें होली पैक्ट बता दी अच्छे से, लेकिन मैं इसको बोलूँगा, इसके रिव्यू दूंगा ना, मैं बोलूँगा ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट के ड्रामा सीरीज़ है। अब तुम सोचोगे अब ये सारी के ड्रामा सीरीज़ को ये बोलता है ये बेस्ट है ये अच्छी है, लेकिन इसको मैं रोमांटिक वाइज बोलूँगा। इसकी स्टोरी जो इन्होंने कैसे घुमा फिरा के पुटअप करी है ना,
एक रोबोट को इंसान की जगह भेजना, इंसान को कैसे रोबोट बनाना, और उसके ऊपर फिर एक इंसान की बीमारी ठीक होना एक लड़की के थ्रू, ये भी भाई मिरेकल ही है। तो इसको इसलिए ही तुम्हें देखनी चाहिए अगर तुम्हें एक स्वीट सी लव स्टोरी देखनी हो जहाँ पे एक अकड़ू सा आदमी कैसे प्यार में पिघल जाता है, तो ये स्टोरी बिल्कुल तुम्हारे लिए है। हाँ जी, और अब मेरे नाखून बार और मत देखो, ठीक है यार मैं नेल पॉलिश करता हूँ, देख लो खुश। औरत बनने का शौक है, औरत बनने का शौक है। हाँ मुझे पता है बहुत लोग ये चीज़ें नोटिस करते हैं वीडियो में, देख इसने क्या किया नाखूनों के साथ, अरे यार लग जाते हैं कभी कभी। मेरे वो शौक नहीं है बिल्कुल भी, सच्ची खुदा कसम मैं इंसान हूँ, मैं स्ट्रेट हूँ, तो गलत मत समझना। अब ये बात कहीं और जा रही है, वापस से आते हैं। अब इसके ड्रामा सीरीज़ को तुम्हें बिल्कुल देखना चाहिए और ये तुम्हें नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी सब में। अगर तुम्हें हिंदी डब में देखना है तो तुम ये MX प्लेयर में जाके देख सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। जिनके मन में अभी भी डाउट है क्या ये देखने लायक है या नहीं, क्या ये ट्राई करनी चाहिए, नहीं, मैं तुम्हें बोलूँगा यार ये आंखें बंद करके ट्राई करो, मतलब खोल के करो, वैसे बोल रहा हूँ भरोसा दिलाने के लिए, आंखें बंद करके मत देखना। लेकिन इसको तो मैं ना बहुत ही शिद्दत से देखना, इसके स्टार्टिंग के 4-5 एपिसोड, उसके बाद जो तुम्हारा दिल लगाएगी ना ये सीरीज़, उसके बाद तो तुम खुद अलग नहीं हो पाओगे। इसके टोटल 16 एपिसोड्स हैं, ये पता भी नहीं चलेगा कि कब ख़त्म हो गए, और फिर तुम मेरी तरह फिर नई सीरीज़ को ढूंढते ढूंढते पागल हो जाओगे। अब कैसी ढूंढे, क्योंकि है ना के ड्रामा सीरीज़ का एक एडिक्शन होता है, अगर तुम एक रोमांटिक सीरीज़ देख लो ना फिर तुम दूसरी ढूंढने लगते हो, अब एक कहाँ है यार ऐसी और मिल जाए, तो मैं भी पागल हो रहा हूँ, ऐसी और कहाँ से लाऊँ भाई तुम्हारे लिए। तो इसी वजह से मैं ढूंढ ही रहा हूँ और मैं देख के तुम्हें पक्का ज़रूर बताऊँगा। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पर पैक कर दे, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना यार, मैं नहीं बोलता तो तुम सीरियसली ले जाते हो, तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी एक छोटी सी मदद करो। हाँ पहले मेरी तरफ देखो, तुम्हें नहीं लगता कि मुझे तुमसे ज्यादा मदद की जरूरत है?